भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के घेराव की कोशिश की गई। सहकारिता सोसाइटी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और घेराव करने की कोशिश की है बंगले की। पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठे कर्मचारी सैलरी और नियमितीकरण की दरअसल ये मांग कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो सहकारिता सोसाइटी के कर्मचारी जिन्होंने मांग की है कि उनको सैलरी और नियमितीकरण की मांग उनकी ओर से की जा रही है, सैलरी की भी मांग उनकी ओर से की जा रही है। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों का प्रदर्शन यहां देखने को मिला। प्रदेश सहकारिता समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनके बंगले के 200 मीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। और अब सहकारिता समिति के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर आप देखेंगे कि बैठ गए हैं धरने पे। पुलिस उन्हें समझाइश दे रही है कि यहां से उठ जाइए। ये VIP मूवमेंट का है क्योंकि यहां पर इस इलाके की बात करें 74 बंगले इलाके में बड़ी संख्या में अधिकारी भी रहते हैं और इसके साथ साथ मंत्रियों के भी बंगले, और इसी के कारण समझाइश दे रही है पुलिस कि यहाँ से आप लोग हट जाइए क्योंकि यहाँ पर VIP मूवमेंट हमेशा होता है। करो वेतनमान का निर्धारण करिए। और माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया था कि एक हफ्ते में हम आदेश देंगे। जो वो उनने आदेश दिया वो घुमापरा के अधिकारियों ने निकाला है। वो कर्मचारी हित में आदेश बिल्कुल नहीं है, उसमें वेतनमान का निर्धारण भी नहीं है, उसमें कर्मचारी के हित में कोई ऐसी चीज नहीं है। वो जो आदेश है वो एक झुंझुना है, नाम मात्र का कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने जो वादा किया था, जो उन्होंने आदेश का वादा किया था हमारे मांग पत्र के अनुरूप, उसके अनुरूप हमें आदेश दें, हमारे कर्मचारियों के हित में आदेश दें। कितने मिलते किसी को? कलेक्टर है 4000, किसी को 6000 है, 10000 हमारे जिले में, 10000 ज्यादा किसी को नहीं है। जो आदेश भी निकला है सैलरी बढ़ाने का, नियमितीकरण करने का, वो भी घुमा फिरा के आदेश दिया गया और उसी को लेकर वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आर पार की लड़ाई की मूड की बात कर रहे हैं कि वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। कैमरामैन राघवेंद्र के साथ शबीर अहमद, न्यूज 24 भोपाल।